प्यारे भूतपूर्व सैनिक को 21 जनवरी की सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत सारी सैनिक खबरें में आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जनवरी का जो पेंशन है उसका मैसेज क्रेडिट होने का वो PCDA से आ चुका है, पेंशन भोगी ने हमारे साथ साझा किया है। नोशनल पे के ऊपर बात करेंगे, नोशनल पे पर इंक्रीमेंट होगा उसका लेटर जारी हो चुका है। इक्वल MSP पर भी एक अपडेट निकल के आई है। 22 जनवरी को राम मंदिर पर 100 NSC जो कमांडोज हैं वो तैनात होंगे और ORUP वन रैंक वन पेंशन का जो वर्क है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। चलिए विस्तार से सभी वीडियो को एक एक न्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले ये लेटर मैं दिखाऊंगा आपको, इसके बारे में बताऊंगा। जो नोशनल पे है उसके ऊपर 18 जनवरी 2024 देख सकते हैं एक लेटर जारी हुआ है। ये लेटर को देखने के बाद आपको बता देंगे एक न्यूज़ निकल गई है द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। 100 कमांडोज जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि राम टेंपल में आपको पता है कि इनॉग्रेशन है अयोध्या में, जिसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भी दिग्गज अधिकारीगण आने वाले हैं। इसी के बीच पेंशन रिसीव होने का या मैसेज क्रेडिट होने का आ चुका है कि 31 तारीख को पेंशन भोगी को टीम स्पर्स की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाएगा उनका पेंशन। ये सारी न्यूज़ देखेंगे। साथ ही में ये वाला न्यूज़ देखिए, 2 फरवरी 2024 का मतलब होता है कि यहाँ पे आप लोग जो भी भूतपूर्व सैनिक में वीडियो देख रहे हैं, दो जगह DSC की भर्ती है, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स। 2 फरवरी को है, एक है 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2024 को बिहार रेजिमेंट में है DSC भर्ती और 2 फरवरी को है आपका कुमाऊं और नागा रेजिमेंट में, कुमाऊं और नागा रेजिमेंट में भर्ती है। तो चलिए सबसे पहले सुर्खियाँ देख ली आपने, अब आपका एक कर्तव्य बनता है चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। नोशनल पे पे बड़ी खुशखबरी, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायरिंग फ्रॉम जो रिटायर हुए हैं 30 जून को या 31 दिसंबर को, उनको एक उनको प्रमोशन मिलेगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था ये मैसेज अप्रूवल मिल चुका है। आपको एक चीज़ बता दें इसमें कि ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो है 11/4/2023 के बाद, मतलब कि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं उन पे ये लागू हो चुका है। अच्छी खबर है। साथ ही इस खबर को देखते हुए हमारे पेंशन भोगी करना है कि जैसे MSP में अगर जीत होती है तो क्या MSP भी अगर ऐसे ही हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे भूतपूर्व सैनिक बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और केस को लड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो उन्होंने ये दिया भी है। आई होप सो आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी, ये लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करना ना भूले। और आपको भी मैसेज आया होगा कमेंट में ज़रूर बताएं।